स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल फिल्मी मेमोरीज में। आज के वीडियो में 70-80 के दशक की बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस रंजीता जी के फिल्मी करियर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उम्मीद हमारी कोशिश आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इनकी टॉप मूवीज में रही हैं लैला मजनू, अखियों के झरोखों से और सुरक्षा। इनका पूरा नाम रंजीता कौर है। इनका जन्म 22 सितंबर 1956 को पंजाब में हुआ। इनकी शादी राज मसंत जी के साथ 1990 में हुई। इनकी डेब्यू मूवी आई थी सन 1976 में, जिसका नाम था लैला मजनू। इस मूवी को एच एस रावल ने डायरेक्ट किया था। इसमें ऋषि कपूर, रंजीता कौर, डैनी और इफ्तिखार लीड कास्ट में थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। अगली 1978 में आई थी अखियों के झरोखों से। इसे हिरेन नाग ने डायरेक्ट किया। इसमें रंजीता कौर, सचिन मदनपुरी थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट करार दिया गया। अगली मूवी 1978 में आई थी दामाद। इसको रजत रक्षित ने डायरेक्ट किया था। इसमें रंजीता कौर, अमोल बालकर थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। अगली मूवी 1978 में आई थी पति पत्नी और वो। इसको बी आर चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था। इसमें संजीव कुमार, विद्या सिन्हा, रंजीता कौर थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी 1979 में आई थी मेरी बीवी की शादी। इसमें रजत रक्षित को ने इसको डायरेक्ट किया था। इसमें अमोल पालकर, रंजीता कौर थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। अगली 1979 में आई थी भयानक। ये एक हॉरर मूवी थी। इसमें मिथुन चक्रवर्ती, रंजीता कौर, चंद्रशेखर थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। अगली 1979 में आई थी सुरक्षा। इसमें रंजीता कौर, मिथुन चक्रवर्ती, भरत भूषण, जगदीप थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट करार दिया गया। अगली 1979 में आई थी तराना। इसमें मिथुन चक्रवर्ती, रंजीता कौर, ओम शिवपुरी थे। इसमें इन्होंने राधा का किरदार निभाया। ये मूवी बॉक्स ऑफिस एवरेज रही। अगली 1980 में आई थी आप तो ऐसे ना थे। इसमें रंजीता कौर, राज बब्बर, दीपक पराशर थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दिया गया। अगली 1980 में आई थी 1920। इसको स्वरूप कुमार ने डायरेक्ट किया था। इसमें रंजीता कौर, मिथुन चक्रवर्ती, राकेश रोशन, योगिता बाली थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। अगली 1981 में आई थी अरमान। इसमें रंजीता कौर, राज बब्बर, शम्मी कपूर थे। इस मूवी में इन्होंने आरती का किरदार निभाया और ये मूवी बॉक्स ऑफिस ब्लो एवरेज रही। अगली मूवी 1981 में आई थी धुआं। इसको दुलार गुहा ने डायरेक्ट किया था। इसमें रंजीता कौर, मिथुन, राखी और अरुणा ईरानी थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस फ्लॉप रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी दर्द। इस मूवी में रंजीता कौर जी ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। अगली मूवी आई थी इसी साल में हमसे बढ़कर कौन। इसमें मिथुन चक्रवर्ती, रंजीता कौर, अमजद खान, डैनी थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी क्रोधी। इसमें धर्मेंद्र, शशि कपूर, हेमा मालिनी, जीनत मारे, रंजीता कौर थे। ये मूवी ब्लो एवरेज रही। अगली 1982 में आई थी राजपूत। इसमें धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, रंजीता कौर थे। इस मूवी में इन्होंने कमली का किरदार निभाया। ये मूवी एवरेज रही। अगली 1982 में आई थी उस्तादी उस्ताद से। इसमें मिथुन चक्रवर्ती, रंजीता कौर थे। इस मूवी में इन्होंने सीमा का किरदार निभाया। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी सत्ते पे सत्ता। इसमें अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, रंजीता कौर, सचिन थे। इस मूवी में इन्होंने सीमा सिंह का किरदार निभाया। ये मूवी हिट रही। अगली 1982 में आई थी सुन सजना। इसमें मिथुन चक्रवर्ती, रंजीता कौर, इफ्तिखार थे। इस मूवी में इन्होंने बसंती का किरदार निभाया। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली 1982 में आई थी तेरी कसम। इसमें कुमार गौरव, पूनम भिंडो, रंजीता कौर थे। इसमें इन्होंने शांति का किरदार निभाया। ये मूवी सेमी हिट रही। अगली 1982 में आई थी हथकड़ी। इसमें संजीव कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, रीना राय, रंजीता कौर थे। ये मूवी सेमी हिट रही। अगली 1983 में आई थी हादसा। इसमें अकबर कार, रंजीता कौर थे। इस मूवी में इन्होंने रूबी का किरदार निभाया। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली 1983 में आई थी क्यों कैसे। इसमें मिथुन चक्रवर्ती, रंजीता कौर थे। इस मूवी में इन्होंने रेणु का किरदार निभाया। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली 1983 में आई थी मेहंदी। इसमें विनोद मेहरा, रंजीता कौर, राज बब्बर, विंध्या गोस्वामी थे। इसमें इन्होंने माधुरी का किरदार निभाया। ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में थी मुझे इंसाफ चाहिए। इसमें मिथुन चक्रवर्ती, रति अग्निहोत्री, रेखा, रंजीता कौर, डैनी थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। अगली 1983 में आई थी वो जो हसीना। इसमें मिथुन चक्रवर्ती, रंजीता कौर, कादर खान प्राण थी। ये मूवी हिट साबित हुई। अगली 1984 में आई थी बाजी। इसमें धर्मेंद्र, रेखा, मिथुन, रंजीता कौर थे। इसमें इन्होंने नूरा का किरदार निभाया। ये मूवी एवरेज साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में राज तिलक। ये मल्टी स्टार मूवी थी। इसमें धर्मेंद्र, सुनील दत्त, राजकुमार, हेमा मालिनी, रंजीता कौर, कमल हासन थे। इस मूवी में इन्होंने सपना का किरदार निभाया। ये मूवी सुपर हिट रही। अगली मूवी 1986 में आई थी किस्मत वाला। इसमें मिथुन चक्रवर्ती, रंजीता कौर, आशा पारेख, शक्ति कपूर, प्रेम चोपड़ा थे। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी 1986 में आई थी कातिल। इसमें शत्रुघ्न सिन्हा,
संजीव कुमार थे। इस मूवी ने सीता का किरदार निभाया। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी 1989 में आई थी दो कैदी। इसमें संजय दत्त, फरहानाज, गोविंदा, रंजीता कौर, नीलम थे। इस मूवी ने मिसेज अमर सिन्हा का किरदार निभाया। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी इसी साल में थी गवाही। इसमें जीना तमान, शेखर कपूर, रंजीता कौर, तनुजा थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1990 में दीवाना मुझसा नहीं। इसमें आमिर खान, माधुरी दीक्षित और रंजीता कौर थे। इसमें इन्होंने अनीता की बहन का किरदार निभाया। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी 1990 में आई थी गुनाहों का देवता। इसमें मिथुन चक्रवर्ती, संगीता बिलांदी, रंजीता कौर थे। इसमें इन्होंने मिसेज बलदेव शर्मा का किरदार निभाया। ये मूवी ब्लो एवरेज रही। अगली मूवी 2005 में आई थी अनजाने। इसमें संजीव कुमार, मनीषा कोयराला, रंजीता कौर, हेलन थे। इस मूवी में ये मूवी डिजास्टर रही। अगली मूवी 2011 में आई थी जाना पहचाना। इसमें सचिन और रंजीता कौर थे। इसमें इन्होंने मिसेज आशा का किरदार निभाया। ये मूवी हिट रही। अगली मूवी आई थी 2012 में जिंदगी तेरे नाम। इसमें मिथुन चक्रवर्ती, रंजीता कौर थे। इसमें इन्होंने मिसेज सिंह का किरदार निभाया। ये मूवी डिजास्टर रही। ये इनकी लास्ट मूवी रही। इसके बाद इनकी कोई मूवी नहीं आई। तो ये रंजीता कौर जी का फिल्मी बॉक्स ऑफिस एनालिसिस था। इसमें कौन सी मूवी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, कौन सी आपकी फेवरेट मूवी रही, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और किस एक्टर या एक्ट्रेस का बॉक्स ऑफिस एनालिसिस देखना चाहते हैं, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर फुल वीडियो वॉचिंग।